ऊपर में इतने ऊंचे ऊंचे जो पंडाल लगे हुए हैं इन सब के लिए, यहाँ पर देखिए कितने लंबे लंबे डंडे के लिए पंखा लगाया गया है भक्तों की सुविधाओं के लिए। तो जो भी भक्तगण ये देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि उनके लिए सुविधाओं की, इस भीषण गर्मी में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, मठ के द्वारा पूरी तैयार। मेरे पीछे जो आप ट्रक देख रहे हैं, ट्रक से लगातार सामान आ रहे हैं भक्तों के लिए, और यहाँ पर रहने को दरी बिछ रहा है, सारा तैयारी एकदम हो रहा है। और मैं एकदम अभी बीचों बीच हूँ, पीछे वहाँ तक है और लंबा पंडाल, वहाँ तक एकदम लगने वाला है अभी, और इसको एकदम लंबा किया जा रहा है। और आज 11 तारीख को इतनी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कल के बाद परसों से यहाँ पर कथा शुरू हो, किसी से एक रुपया भी नहीं मांगा जा रहा है। तो इस झांसे में जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो इसमें ना पड़े कि कोई पार्किंग का या किसी भी प्रकार से अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो उसको पैसे नहीं देना है, इस फ्रॉड से आपको बचना है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, हमारे चैनल ने लगातार बिहार में बागेश्वर धाम सरकार, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके आने का लगातार रिपोर्टिंग चल रहा है। और आज हम यहां पर फिर से आए हैं, और देखिए मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ये पंडाल, मैं अपने कैमरामैन सुजीत को कहूँगा कि दिखाने का प्रयास करें, पूरा चारों दिशाओं में कितने बड़े पंडाल लगे गए हैं, जो हमने कहा था कि करीब 200 से 300 बीघा में ये पंडाल लगे हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसको फैलाया जा रहा है, और देखिए यहाँ पर जो ये लंबे लंबे पगडंडे वाले जो पंखे यहाँ पर लगे हैं, आ जाइए इधर, आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भक्तों के लिए सुविधाएं हैं। देखिए ऊपर में इतने ऊंचे ऊंचे जो पंडाल लगे हुए हैं इन सब के लिए, यहाँ पर देखिए कितने लंबे लंबे डंडे के लिए पंखा लगाया गया है भक्तों की सुविधाओं के लिए। तो जो भी भक्तगण ये देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि उनके लिए सुविधाओं की, इस भीषण गर्मी में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, मठ के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। और ऐसे हजारों हजार पंखे यहाँ पर आ रहे हैं लगातार गाड़ियों से, उस साइड इस साइड, देखिए ट्रक से, मेरे पीछे जो आप ट्रक देख रहे हैं, ट्रक से लगातार सामान आ रहे हैं भक्तों के लिए, और यहाँ पर रहने को दरी बिछ रहा है, सारा तैयारी एकदम हो रहा है। और मैं एकदम अभी बीचों बीच हूँ, पीछे वहाँ तक है और लंबा पंडाल, वहाँ तक एकदम लगने वाला है अभी, और इसको एकदम लंबा किया जा रहा है। और आज 11 तारीख को इतनी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कल के बाद परसों से यहाँ पर कथा शुरू हो जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 13 तारीख को पटना की पावन धरती पर पधार रहे हैं, या कहा जाए पुराने ज़माने के पाटलिपुत्र की धरती पर पधार रहे हैं। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि भले कुछ लोग विरोध करें, लेकिन जो लाखों लाख भक्त जो यहाँ पर तादाद में आने वाले हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ दावे के साथ लाखों लाख भक्त, क्योंकि कुछ देर बाद मैं एक और जो वीडियो जब हमारा चैनल आपको रिपोर्ट करेगा, तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कि क्यों लाखों लाख भक्त यहाँ पर पधारेंगे, और पूरे सबूत के साथ। ये याद रखिए कि ये पूरा भर जाएगा, और जितना ये यहाँ पर तैयारी दिखाई जा रही है, जिस तरीके से भक्तों के लिए यहाँ पर तांता लगा हुआ है, और ख़ास करके मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि पार्किंग की सुविधा कहाँ कहाँ पे, और सबसे बड़ी बात कि किसी से एक रुपया भी नहीं मांगा जा रहा है। तो इस झांसे में जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो इसमें ना पड़े कि कोई पार्किंग का या किसी भी प्रकार से अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो उसको पैसे नहीं देना है, इस फ्रॉड से आपको बचना है, क्योंकि इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें फंसे भी हैं, तो इन सब चीज़ों से, धर्म के नाम पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बेहद ही गलत काम है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमने उन यहाँ के प्रमुखों से बात की है, उनका कहना है कि एक रुपया कोई किसी से नहीं मांग रहा है। और देखिए कि यहाँ पर पूरी तैयारियाँ किस प्रकार से, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर तैयारी चल रही है, लोग लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए ट्रक आ रहा है, जा रहा है, और सामानें उतर रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये कार्य हो रहे हैं, और लोग लगातार यहाँ पर बने हुए, यहाँ पर देखिए क्रेन लगा हुआ है, ट्रक लगे हुए हैं, तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है। और ये वाटर प्रूफ पूरा का पूरा पंडाल है, बारिश भी होती है या ज़्यादा अगर गर्मी भी है तो पंखों का भी पूरा सुविधा दिया गया है, तो तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पर स्टेज की तैयारी है, शास्त्री जी यहीं पर आएंगे, और यहाँ पर उनका तैयारी पूरा चल रहा है, यहाँ पर क्रेन लगा हुआ और बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। हमारे साथ एक सर जो, सर क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार भारद्वाज नाम हुआ। अच्छा सर, यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले हैं, क्या लगता है परसों से यहाँ पर शुरू होगा हनुमंत कथा, किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ भक्तों के लिए की गई हैं और क्या क्या सुविधाएँ हैं? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग उत्सुकता से देखने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? पुनपुन से हम आए हैं। पुनपुन से? हाँ।
अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर बिहार में पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं? इसी इन्हीं को देखने के लिए शास्त्री जी को हम लोग MP महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं जी जी, और मेरा समझिए कि घर में आए हुए हैं, इसीलिए हम लोग देखने के लिए यहाँ आ गए हैं। और दूसरी बात है कि तरह तरह का बात भी सुनने में आ रहा है कि बिहार ऐसा होगा, ऐसा होगा, भगदर होगा, ये होगा, तो बड़ी तरह क्या लगता है ऐसा सुविधा जिस प्रकार से ऐसा कुछ हमको तो कुछ नहीं ऐसा लग रहा है, हमको तो लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, सारी व्यवस्था यहाँ ठीक ढंग से है जी। और मठ में भी अभी हम लोग गए, वहाँ भी बहुत देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये पंडाल वाले बहुत दूर दूर से आकर के पंडाल एकदम बहुत अच्छा लगा रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और परसों यानी 13 तारीख से यहाँ बाबा का हनुमंत कथा शुरू होने वाला है। 15 तारीख को दिव्य दरबार लगने वाला है जिसमें नारियल बांधा जा रहा है और लाखों लाख भक्त नारियल अभी तक बांध चुके हैं। हाँ, 15 तारीख को दिव्य दरबार लगेंगे जिसमें नारियल बांधेंगे जी जी। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि यहाँ पर लोग अभी से आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, यहाँ से पुनपुन करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है और लोग अभी से आ गए हैं और तैयारियाँ में लगे हुए हैं। सोचिए कि मतलब जो आम इंसान हैं वो खुद इन चीज़ों में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार बना हुआ है, देखिए कितना बड़ा स्टेज है, एकदम भव्य स्टेज बन रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। और मैं दरख्वास्त करूंगा अगर महाराज जी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर उनके भक्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें मेरे इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कि तैयारियाँ किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है और ख़ास करके बिहार वासियों ने उनके स्वागत के लिए जितना बड़ा इंतज़ाम किया है तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये समस्त बिहारियों के लिए एक धर्म की जीत है और यह बजरंगबली की कृपा है यहाँ जो पाटलिपुत्रा की धरती पे इतना बड़ा सभा होने जा रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए और खबरें लगातार चलती रहेंगी हमारे चैनल पर और यहाँ पर लगातार हम आपको बताते रहेंगे यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ। तो ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ में। अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।